यस यू कैन स्टार्ट नाउ। मैं निधि पांडे, एमए फोर्थ सेमेस्टर। मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 में समावेशी शिक्षा के लिए सिफारिश। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 में समावेशी शिक्षा के लिए सिफारिश की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के बारे में बताना चाहूंगी। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया। इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक एवं प्रोफेसर कृष्ण कुमार के निर्देशन में किया गया। यह अब तक का राष्ट्रीय दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। इसका निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में किया गया। यह पाठचर्या भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। इस रूपरेखा में एक कक्षा एक से लेकर 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। यशपाल समिति के द्वारा एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र रखा गया वो है शिक्षा बिना बोझ के। अर्थात यशपाल समिति ने भारी बस्ते को मात्र एक बोझ ही माना और इसको कम करने पर बल तथा शिक्षा को रोचक बनाने पर बल दिया। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत पर। इसके मुख्य पांच सिद्धांत हैं। प्रथम, ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, अर्थात बालकों को व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया गया। द्वितीय, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अर्थात बच्चों को समझने के लिए उत्सुक किया जाए तथा साथ ही इन्हें करके सीखने पर बल दिया जाए। तृतीय है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, अर्थात पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी तथा उनके सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध करवाएं। चतुर्थ है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा इसे लचीला बनाया जाए, अर्थात समय समय पर कक्षा में अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिससे प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान हो अपनी प्रतिभा दिखाने का, तथा इसे लचीला बनाए रखा जाना चाहिए जिससे समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। एट लास्ट, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हों। अर्थात एनसीएफ का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षा के द्वारा हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें जिससे बालक में प्रजातांत्रिक गुणों के साथ ही उन्हें समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बना सकें। अब आते हैं हम समावेशी शिक्षा पर एनसीएफ 2005 द्वारा की गई सिफारिश पर। इसे प्रेजेंट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी स्नेहा यादव को। थैंक यू निधि। समावेशी शिक्षा पे एनसीएफ 2005 की सिफारिश। इसमें कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। जो बालक विशेष आवश्यकता वाले हैं उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा का समान अवसर देना चाहिए। विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहभागिता का अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे कि बालकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ अध्यापक सकारात्मक दृष्टि हो, अर्थात अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ सामान्य छात्रों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। समावेशी पाठ्यक्रम का विकास करना, पाठ्यक्रम में उपकरणों गतिविधियों को शामिल करना जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अधिगम करने में सरलता हो। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन जिससे सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले दोनों बच्चे लाभान्वित हो। बाल केंद्रित शिक्षा बालक की रुचि एवं आवश्यकताओं पर निर्भर होती है जिससे बालक का उचित विकास होता है। सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार किया जाए जिससे विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनके हसीये पर धकेले जाने का खतरा हो। उदाहरण के लिए वे विद्यार्थी जिनमें कुछ समर्थताएं हो, विद्यार्थी या विद्यार्थी समूहों को अपंग, असमर्थ, निर्योग्य शब्दों से संबोधित करने में उनमें असहयोग और कुंठा की भावना आ जाती। इससे उन कठिनाइयों पर पर्दा पड़ जाता है जिसका सामना विद्यार्थी को विविध सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण
आने के कारण या कक्ष में अपर्याप्त शिक्षण विधि अपनाने के कारण करना पड़ता है। विद्यार्थियों के बीच अभेदों को समस्या के रूप में न देखकर शिक्षण के सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है। शिक्षकों को ऐसी सकारात्मकता कार्य नीति अपनाने की आवश्यकता है जिससे असमर्थ समझे जाने वाले विद्यार्थियों सहित सबको शिक्षा का माहौल मिल सके। ऐसा सहयोग शिक्षकों तथा स्कूलों के बाहर की संस्थाओं की मदद से किया जा सकता है। विशिष्ट विद्यालयों का संसाधन केंद्र के रूप में सुनियोजन अर्थात विशिष्ट विद्यालयों के नाम में बदलाव किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों को समावेशी बनाना चाहिए। विद्यालय प्रशासकों में समावेशी कार्यक्रमों के नियोजन एवं संचालन हेतु उचित दृष्टिकोण एवं कौशल का विकास होना चाहिए। आगे की कुछ सिफारिशें प्रियंका गौतम प्रस्तुत करेंगी। थैंक यू स्नेहा। NCF 2005 में समावेशी शिक्षा के लिए कुछ अन्य सिफारिशें बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। बालक की क्षमता एवं योग्यता का विकास। इसमें ये कहा गया है कि समावेशी शिक्षा बालक की कमियों को इंगित करने के बजाय उनकी क्षमताओं एवं योग्यताओं के विकास पर बल देने वाली होनी चाहिए। सांकेतिक भाषा ब्रेल आदि को अनुदेशन में सम्मिलित करना। NCF 2005 में समावेशी शिक्षा के लिए सिफारिश में यह कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं में विविधता की पहचान करते हुए सांकेतिक भाषा ब्रेल आदि को अनुदेशन के माध्यम में सम्मिलित किया जाए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुलभ बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण शास्त्री कौशलों के विकास के लिए सभी प्रकार के सेवारत एवं सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में जरूरी सुधार किया जाए। अमूर्त प्रत्ययों का प्रभावी संप्रेषण। जिसमें ये कहा गया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसी पद्धति का विकास करना होना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों का प्रयोग करते हुए अमूर्त प्रत्ययों को प्रभावी रूप से छात्रों तक संप्रेषित किया जा सके। इसके साथ ही साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक होता है, इसलिए सभी प्रकार के छात्रों के नामांकन धारण एवं पूर्ण सहभागिता को महत्व प्रदान किया जाए। समावेशी शिक्षा समाज के प्रति सभी लोगों में सम्मान की भावना का विकास किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर बल दिया जाए, जिसमें NCF में यह सिफारिश की गई है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्मित किया जाए जिसमें बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास हो सके। छात्रों की समस्याओं के समाधान पर महत्व। इसमें यह बात कही गई है कि छात्र की असफलता किसी भी विद्यालय की असफलता को दर्शाती है, इसलिए छात्रों को असफल करने की बजाय शिक्षकों को उनकी समस्याओं के समाधान पर महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी वातावरण का निर्माण। इसमें ये कहा गया है कि समावेशी शिक्षा के उचित संपादन हेतु एक ऐसे समावेशी वातावरण को निर्मित करने की आवश्यकता है जिससे भिन्न आवश्यकता वाले छात्रों की भी शैक्षिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। विद्यार्थियों के बीच विविधता को समस्या के रूप में ना देखकर शिक्षण के सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है। समावेशी शिक्षा के द्वारा ही सभी छात्रों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। सहभागिता हमारी शक्ति है, अतः समावेशी शिक्षा के द्वारा विद्यालयी गतिविधियों में सभी छात्रों की गतिविधियों को सुनिश्चित किया जा सकता है। विशिष्ट बालकों के साथ अध्यापक का सकारात्मक दृष्टिकोण। इसमें ये बात कही गई है कि शिक्षकों को एक ऐसी सकारात्मक कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता है जिससे विशिष्ट बालकों सहित सभी प्रकार की अधिगम अक्षमता वाले बालकों को शिक्षा का माहौल प्रदान किया जा सके एवं पाठ्यक्रम को इस प्रकार समावेशी बनाया जाए जिससे सभी छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। भिन्न अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं की पहचान करते हुए ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे सभी प्रकार के छात्र लाभान्वित हो सके।
नेक्स्ट सिफारिश, एनसीएफ ने इस पर बहुत अधिक बल दिया है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन। इसमें ये कहा गया है कि समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय यह बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि पाठ्यक्रम इस प्रकार हो जिसमें सभी छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए दी गई सिफारिशों में एनसीएफ 2005 ने यह सुनिश्चित किया है कि वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाति, धर्म एवं लिंग आदि को दरकिनार करते हुए सभी को निरपेक्षता पूर्वक एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण रूप से बाल केंद्रित हो तथा ऐसी विषय सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके एवं बालक को समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाया जा सके। अर्थात एनसीएफ 2005 में शिक्षा में समावेशन के द्वारा सबके साथ एवं सबके विकास की बात करते हुए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराता है। धन्यवाद।